आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है, हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हैलोजन तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। आवर्त सारणी में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के स्थान पर निम्न बिंदुओं के आधार पर विवेचना कीजिए। पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा है विद्युत ऋणात्मकता, फिर अथवा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को एक के वर्ग में रखने का औचित्य लिखिए, अथवा निम्नलिखित के आधार पर हैलोजन के गुणों की व्याख्या कीजिए। एक तो आयनन विभव है और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन बंधता, ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। ठीक, तो जो हैलोजन तत्व है, तो अगर मैं हैलोजन तत्व की बात करूं तो हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं मेरे? हैलोजन तत्व, ठीक है, हैलोजन तत्व का मतलब होता है जो लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लवण का जो निर्माण करने वाले ग्रुप कौन से हैं मेरे? 17 का समूह जो है, ठीक है, और इनमें जो सदस्यों की संख्या यदि मैं देखूं तो कौन कौन से मेरे? क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन पढ़ते हैं मेनली। ठीक, लेकिन एक और होता है इनमें एस्टाटी, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। अब इनका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेता हूं मैं, तो जब मैं फ्लोरीन का देखूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या आएगा इसमें? एच ई, और इनका बाह्यतम कक्ष का जो विन्यास है वो कौन सा होता है? 2s2 और 2p5, ठीक है, 2s2 2p5। ठीक, अब ऐसे ही यदि मैं समूह में दूसरे जैसे क्लोरीन कर लें तो क्लोरीन के कक्ष में क्या आ जाएगा आपका? नियॉन, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3s2 और 3p क्या होगा? 5। कक्षक जो होता है वो क्या होता है? एक बढ़ते जाता है, बाकी क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? सेम, यदि हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी समूह की बात कर लूं तो उस समूह में यदि मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं तो परिवर्तन क्या होता है मेरा? कक्ष होता है, एक से क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन उनमें बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होगी? समान होगी। ठीक है, तो सभी में यदि मैं देखूं तो एस में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और पी में कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं देखूं जीनोन, तो जीनोन के केस में भी क्या हो जाएगा मेरा? डार्क 6s2 और 6p5। तो यदि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूं, ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इनका? ns2 और np में कितने हो गए? 5। ठीक, तो ये क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब और क्या चीजें देख सकते हैं अपन इसमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको विवेचना करनी है आवर्त सारणी में। ठीक है, तो अब देखिए इनमें क्या होता है आपका, हम जानते हैं कि जो बाह्यतम कक्ष की जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितनी है? 6। तो जितनी इनकी संख्या होगी वही के वही क्या होगी? इनकी आवर्त संख्या भी होगी। ठीक है, तो यदि मैं लिखना चाहूँ इनकी आवर्त संख्या, तो क्लोरीन की आवर्त संख्या कौन सी हो जाएगी मेरी? 2। ठीक है, क्लोरीन की कौन सी हो जाएगी? 3। वैसे ही 4, ठीक है, 5 और 6। ठीक, तो यही क्या हो जाएगी? इनकी आवर्त संख्या भी हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही अलग अलग जब समूह में नीचे की ओर आते हैं तो ये होता है। ठीक, तो अब आवर्त सारणी में क्लोरीन क्लोरीन के बिंदु, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख चुके, विद्युत ऋणात्मकता देख लेते हैं। ठीक है, अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ठीक, तो हमें पता है कि जो विद्युत ऋणात्मकता की यदि मैं बात करूं तो जब समूह में मैं सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन के बाद में मैं जैसे जैसे समूह में नीचे की ओर आता हूँ विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है मेरी? कम होती है। तो समूह में नीचे की ओर आने पर क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का क्रम जो है वो कम होगा, घटेगा। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम देख चुके हैं इनका। ठीक है, आयनन विभव क्या होगा इनका? बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आयनन विभव क्या होगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यदि इनके ले लें, इनके बाह्यतम कक्ष का विन्यास यदि मैं देखूं तो बाह्यतम कक्ष के विन्यास में कितने हो रहे हैं? 2
है ना, और पांच सात है, तो इनको कितने की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस करने की, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं, तो देते नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका आयनन विभव का मान भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आयनन विभव का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहते हैं, तो इनकी तो परिवर्ती होगी, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बहुत ज्यादा, मतलब ये आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।